हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है? तो 9.3 कैलोरी होती है दोस्तों 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो बायो फ्राइट्स है दोस्तों पहला पौधा भूमि पर पाया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो मरुस्थल होता है मतलब जो रेगिस्तान होता है में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो जीरोफाइट से दोस्तों मरुस्थल के अंदर उगने वाला पहला पौधा, उगने वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं तो लिथोफाइट्स बोलते हैं दोस्तों चट्टानों पर उगने वाले पौधों को, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोबर की जो छाल होती है, गोबर के छालों ब्रैक्स पर उगने वाले कवक लाइकेन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्राइटिकॉल्स बोलते हैं दोस्तों इन्हें, क्राइटिकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस में होता है दोस्तों सबसे बड़ा बीजांड। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के जो लंबे पौधे होते हैं संबंधित होते हैं दोस्तों, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं दोस्तों संसार के लंबे पौधे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर ऊपर वायुमंडल दाब कितना होता है? तो कम होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल दाब। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल होता है दोस्तों तो संवहन विधि द्वारा होता है दोस्तों वायुमंडन, वायुमंडन किसके द्वारा होता है दोस्तों संवहन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला, मंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है दोस्तों, तो रेडोन नहीं पाई जाती है दोस्तों वायुमंडल के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।